हेलो फ्रेंड्स, टुडे ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन आपका फेवरेट इंडिया फोरन्स ने प्लान किया आपके क्यूटी पाई उत्कर्ष गुप्ता के साथ मिलकर एक सरप्राइज। हाय गाइस, आई एम उत्कर्ष गुप्ता और आज मैं अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए आया हूँ उन्हीं के सेट में जिसका शो का नाम है गर्ल्स ऑन टॉप। जी हाँ, हम उत्कर्ष के साथ मिलकर गए स्नेहा को सरप्राइज करने एनटीवी के गर्ल्स ऑन टॉप के सेट पर। आइए देखते हैं स्नेहा कैसे हो गई सरप्राइज और सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन का ये फेस्टिवल और आगे जानते हैं कुछ भाई बहन की बातें, राज और मस्ती। हेलो, मैं आज बताता हूँ आप राखी बांधो। तो ये है इंडिया फोरम्स जिन्होंने सरप्राइज के लिए मुझे घर से उठाया और भगाया इतना दूर कि चलो सेट पे राखी बनवाने। तो थैंक यू इंडिया फोरम। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे आप लोग उत्कर्ष को ले आओगे, बिकॉज रक्षाबंधन है तो गर्ल्स बहनों का होता है। बहुत आलसी में मैं कहीं जाता नहीं। अब मैं देख सकती हूँ कि ये सीधे सोकर ही आया, नया भी नहीं है, नया हरिफेश। छोटी सिस्टर भी है शिवांगी गुप्ता, तो ये हम दोनों बहनों की तरफ से उत्कर्ष को राखी बांधी जा रही है। थैंक यू। दिल्ली में है और वो नहीं आ सकती, तो हम दोनों बहनों की तरफ से। थैंक यू। हाँ, चॉकलेट ये पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इतना खिला, थोड़ा ज्यादा खिला देता। ज्यादा कम ही खिलाई होगी, तू बोल रहा था मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। ये लो। थैंक यू। ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल मत खिलाई हो। ये लो। थैंक यू इंडिया फोरम। थैंक यू सो मच। सरप्राइज देने के लिए, बिकॉज मैं पूरा शूट में थी, धूप में थी, उत्कर्ष आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने भाई को आशीर्वाद देती हूँ सीधे हाथ से, दोनों हाथ से, बहुत तरक्की करे। अभी टीवी पे आया है, बड़े पर्दे पे भी आए, फिल्म्स करे, पूरी दुनिया जीत ले, जो चाहता है वो इसको मिल जाए। थैंक यू। मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मतलब दुआएं। Any sibling fight moment or reason that you remember? Fight तो बहुत होती है। होती है? बताना है क्या? छोटे कपड़े। छोटे कपड़े का तो कभी भी इसने नहीं रोका, बोलता है उल्टा। एक बार क्या हुआ, ये वो क्या था कि स्नेहा दीदी क्या मतलब क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो लाइफ में, लोग इतनी पार्टी कर रहे हैं, ये वो करके अभी की अभी जाओ मेरा कार्ड लेके आओ और जितने छोटे कपड़े पहन सकते हो सब खरीद के लेकर। और मेरे सारे फ्रेंड ये मतलब तेरा भाई है ना, ऐसा कौन बोलता है। नहीं, आजकल के इस ज़माने में मुझे जहाँ तक लगता है, सॉरी, कि लड़कियाँ बहुत एडवांस होती है, लेकिन मेरी बहन बिल्कुल डम है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ डम है, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। एक ही बॉयफ्रेंड चला रही है इतने साल से। नहीं नहीं, ये बहुत पर्सनल हो गया, पागल है। अच्छा सॉरी सॉरी, कुछ नहीं, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लेकिन मतलब पल्ला मेरा ही भारी था। मैं एक मारता था सब कोने में सुट बैठ जाते थे, लेकिन जब से ये हॉस्टल से आए छुट्टियों पे, इन्होंने एक रैप्टा मारा मुझे, एक थप्पड़। मैं जिद कर रहा था बार बार मेरे साथ कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। मम्मी मुझे पूरा अथॉरिटी देके गई थी कि भाई मम्मी बाहर गई हुई थी तो कहा था किसका ध्यान रखना, और ये मेरे को मारे जाए, मेरे पे चढ़ के घुसम पट्टी, ये ले कराटे कर रहा है हमारे साथ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इसे रोकना है। इतना मेरा पारा हटा, मैंने एक खींच के दिया और तू ऐसे बैठ गया। उस दिन के बाद से आज तक कभी हाथापाई नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई, आज भी। और एक उत्तू मतलब जब बचपन में था तो इतना ज्यादा लालची था ना, मतलब बहुत लालची। मतलब हम लोग मतलब पैसे की तो कमी होती थी ऑब्वियसली पहले, तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे चाचा जी आए हमारे, कह रहे बच्चों क्या खाओगे, तो हमने कहा हम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएंगे, आलू टिक्की बर्गर। तो हम तीनों भाई बहन ने आलू टिक्की बर्गर, उत्तू गया मैं लेने जाऊंगा, उसको लगता था कि अगर वो लेने जाएगा तो शायद थोड़ा बड़ा बर्गर मिल जाएगा उसको, मगर सेम साइज होता है। तो वो गया लेने के लिए और उत्तू आके जैसे घर पे आया तो फट कह रहा मम्मी मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। वैसे कभी हाथ पाँव नहीं धोना, उसे पता था कि उसको बर्गर मिलने वाला है, तो क्या मम्मी मैं हाथ पैर धो के, इतना सा उत्तू हुआ।
तो मम्मी कह रही भाई बड़ी खुशी की बात है आज हाथ पाँव धोने जा रहा है उत्कर्ष, खूब मजे में कि मैं आज बैठ के बर्गर खाऊंगा, हमने ना बर्गर ही छुपा दिया इसका, तू तुझे भी खाना था, ओह शिट भाई सॉरी, मतलब खत्म हो गया। जो रोया है ये, जो रोया है उस बर्गर के लिए, ओ गॉड हमसे बात नहीं करी, फिर हमने उसे बर्गर दिया, फिर रोते रोते भी खा रहा, थैंक गॉड मुझे बर्गर मिल गया। Who was the sugarcoat baby amongst you two? कोई नहीं करता इतनी, कभी नहीं, कभी नहीं चुगली तो करी नहीं, पर हाँ उत्कर्ष पहले बड़ा गुस्सा आता था। हम जब 6th-7th क्लास में थे तो मैं हॉस्टल में आती थी और कभी कभी मतलब 2 महीने की छुट्टियों में घर आना या 10 डेज के घर में छुट्टियों में आना, तो अभी हमारा फ्रेंड्स की पार्टी भी होती थी तो हम कहते थे मम्मी हम चले जाए 10 बजे तक अलाउड थे, मम्मी कहते हाँ चले जाओ, पीछे से आवाज़ की भी आती थी मैं भी चलूंगा, ओ इतना गुस्सा आता था, मैं आंखें दिखा रही हूं बहने प्लीज मत जा, मैं भी चलूंगा और इसका सुन के मम्मी भी हाँ भी इसको लेके जाओ, अब पूरी पार्टी में हमारे पास साथ बैठा हुआ ना, हम मस्ती कर सकते और पूरी इतना छोटा सा पूरी इंक्वायरी रखता है। और एक बार तो क्या हुआ, हम होली पे थे ठीक है, अब छोटे से बच्चे को क्या पता, अब हम होली वोली खेल रहे हैं और उत्कर्ष आके ना ऐसा गंजा था, बाल नहीं थे उसके सर पे, ऐसे टेढ़ी सी टी शर्ट ऐसे लटकी हुई, तो आके गुस्से में बैठ गया ठीक है पलंग पे। अब मेरी दादी पूछती है अरे बेटा गोलू, गोलू है इसका नाम घर का गोलू है इसका नाम, तो दादी बोलती गोलू क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, तो कह रहा बता बेटा क्या हुआ, अरे वो नहीं है वो पड़ोस का कालू, स्नेहा दीदी को कलर लगा दिया उसने गालों पे, गुस्सा कह रहा मारूंगा, इतनी से तो मुट्ठी होगी इतना तो घुसा होगा इसका, कह रहा मारूंगा, मतलब शुरू से इसमें ऐसा ठीक है ना, अब मिल जाएगा तो देख लेंगे, अब तो हाथ पाथ मिलाएगा, अब नहीं करता उतना गुस्सा। उत्कर्ष ने मुझे गिफ्ट राखी का गिफ्ट पहले दे दिया, शायद डिस्काउंट चल रहा होगा एप्पल पे, उत्तू ने मुझे एप्पल का लैपटॉप दिया। Any surprise love moment or gesture? Surprise तो बहुत दिए हैं इसने, जब भी काम करता था दुबई में तो एक बार बिना बताया आ गया था, हम लोग बहुत मिस कर रहे थे कि 4-5 महीने हो गए तो, और बहुत घर में सबसे छोटा है तो हमें टेंशन भी हो रही थी कि उत्कर्ष का ना फ़ोन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, फिर एकदम से ये आया और हम बहुत खुश हुए, हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया, सबसे बुरा गिफ्ट मेरे लाया मेरी बहन के लिए इतना अच्छे जूते लेकर आया, मम्मी के लिए इतना कुछ अच्छा इयररिंग्स वगैरह, मेरे लिए लाया जो सड़क पे काम नहीं करते हैं, मतलब इतने बूट होते हैं जिनके वो नाली वाली साफ करते हैं वैसे काले कलर के बूट, मुझे इनकी चॉइस पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ बाकी के लिए तो एकदम शानदार गिफ्ट, मेरे लिए नहीं पता। Who is the apple of everyone's eye in the family? यही है। नहीं नहीं तीनों ही है, मॉम के लिए तो, मम्मी के लिए तो तीनों है, पर हाँ पूरी फैमिली मतलब दादी नानी ऑब्वियसली छोटा है, सबसे ज्यादा छोटा है तो यही दुलारा है और उसकी सारी गलतियाँ छुप जाती हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, दुलारी मैं भी हूँ बट मेरी सारी गलतियाँ सामने आ जाती हैं। Did he ever put you in trouble? नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोग हम दोनों ही हैं, हमारी छोटी वाली बहन तो कुछ शेयर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा ही मतलब वो बहुत अपने आप में बहुत रिजर्व है, और हम दोनों ही ऐसे कि बचपन से ही हम दोनों ने एक दूसरे के शेयर मतलब जितने भी सीक्रेट्स हैं सब शेयर किया है। तो उत्कर्ष के जितनी भी आज तक के जितनी भी गर्लफ्रेंड है 50-60 तो एक नहीं नहीं अच्छा सॉरी हु यूज्ड टू ब्लैकमेल हू आपने क्या होगा मैंने तो नहीं किया मैंने नहीं किया ब्लैकमेल बचपन में किया होगा मैंने कभी हाँ बचपन में तो किया होगा इसने। What was the first reaction to each other's boyfriend or girlfriend? उत्तु की कोई भी गर्लफ्रेंड वैसे मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि सारी थोड़ी अजीब सी होती हैं एक्चुअली आई एम सॉरी हाँ क्योंकि तुम लोगों में से भी कोई देख रहा होगा और मेरा तो एक मतलब नहीं ठीक है यार ये मत दिखाना यार बताओ क्या क्या बुरा लगा गर्लफ्रेंड्स में मेरी। अच्छा जब मैं बॉम्बे में आया बॉम्बे में ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड थी मेरी जिसने मतलब बॉम्बे में तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी सारी फ्रेंड्स ही हैं। अच्छा ठीक है फिर तो कैसी लगी बात अलग है कि देखने में लगता है गर्लफ्रेंड है लेकिन है नहीं उत्कर्ष की तरफ से तो नहीं होता। अरे हेलो सो गाइज ये था हम लोगों का प्यार जिसमें पोले भी खोल दी स्नेहा दी ने तो अभी स्नेहा दी शूट करने चली गई हैं और मैं भी जा रहा हूँ घर सो बाय टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन मैं नहीं बोल सकता स्नेहा दी बोल सकती है क्योंकि मेरी सारी बहनें नहीं है। Wasn't that fun guys? ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स ऑन यूट्यूब। आशिमा कैमरामैन बाबाजी इंडिया फोरम्स मुंबई। Hi, this is Parth and you're watching me on indiaforums.com. Please stay tuned and subscribe for YouTube channel India Forums. Thank you.